अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कोरोना वायरस की वजह से इस पूरी दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आई हुई है, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो है फाइनेंशियली भी इकोनॉमिकली भी जो है ना पूरी दुनिया की इकॉनमी डाउन हुई है, ख़ासकर पाकिस्तान की इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। इस सिलसिले में हुकूमत ने जो लॉकडाउन शुरू किया उसकी वजह से मज़ीद जो है इकॉनमी लोगों की डाउन हो गई है और लोगों के रोज़गार जो है ना वो चले गए। तो बहैसियत कौम सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम जो है इस मुश्किल घड़ी में अपने आवाम के लिए जिनके कारोबार नहीं है, जिनके जो है ना जॉब्स चली गई, उनकी क्या मदद कर सके। तो इस सिलसिले में हमारी टीम और डायरेक्टर्स ने, ग्रीन स्कूल सिस्टम रावलपिंडी कैंपस ने ये अनाउंस किया है कि हम अपने बच्चों की फ़ीस माफ़ कर देते हैं। उस सिलसिले में जिनकी एक महीने की फ़ीस रहती है उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, जिनकी दो महीने की फ़ीस है वो एक महीने की फ़ीस देंगे और जिनकी चार महीने की फ़ीस है वो सिर्फ दो महीने की फ़ीस देंगे। तो इसके अलावा हमारे साथ हमारे तरफ से जो कुछ होगा इंशाल्लाह हम तावन करेंगे। इसके साथ साथ जो है हुकूमत ने जिस तरह लॉकडाउन किया हुआ है हमारे लोगों की सेफ्टी के लिए किया हुआ है कि हम लोग जो है घरों में रहे, बाहर न निकले। तो मेरे भी आप लोगों से यही जो है ना दरख्वास्त है कि अपने अपने घरों में रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, तिलावत करें, तौबा इस्तगफार करें, अल्लाह को याद करें। और इस सिलसिले में हम हुकूमत की यही मदद कर सकते हैं। तो मेरी तरफ़ से जो है सबको यही जो है पैगाम है कि अपने घरों में रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आप तक की बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते चले। मौजूदा मुल्की सूरतेहाल, कोरोना वायरस और लॉकडाउन में रावलपिंडी की आवाम के लिए खुशखबरी। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ अब तक की बड़ी खबर। डायरेक्टर ग्रीन स्कूल सिस्टम नियाज खान ने तुलबा और तलबात की फ़ीस माफ़ करने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, डायरेक्टर ग्रीन स्कूल सिस्टम नियाज खान ने तुलबा और तलबात की फ़ीस माफ़ करने का ऐलान कर दिया।